अब की बार जो हरियाणा के अंदर जो बारिश का हाल है, बारिश का स्टेटस का इतना बुरा हाल रहा है कि पूछो मत। मतलब बारिश हो ही नहीं रही है, पूरा का पूरा जुलाई खाली चला गया, काफी खतरनाक ढंग से खाली चला गया। और यहाँ पे जैसे धान की क्रॉप लगाते हैं सभी, मेरे भी जो खेत हैं उसके अंदर भी मतलब चावल की पृष्ठभूमि काफी ज्यादा बढ़ गई है पिछले कुछ सालों, पिछले 15-20 सालों में। और बारिश हो नहीं रही हो तो फिर बड़ी समस्या हो जाती है। परंतु एक बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, आज जैसे मौसम ना काफी सुहावना है, बारिश भी हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी बूंदें हैं, मतलब इतनी ज्यादा भी नहीं है कि बहुत तगड़े लेवल का बरस रहा हो, ऐसी बात नहीं है, बहुत कम बारिश है, पर है मौसम बारिश का हो रखा है। पर मैं जो डिस्कस करना चाहता था ना, आप देखिए हिमाचल के अंदर बुरा हाल यानी कि बाढ़ की हालात, राजस्थान के अंदर बुरा हाल यानी कि बाढ़ की हालात, और वहां पे यदि पूर्वी राजस्थान की बात करें तो आप गूगल मैप खोल के देखोगे ना, आपको अलर्ट करेगा कि वहां पे बाढ़ की सिचुएशन है और आपकी जो ट्रैवलिंग है, आपकी यात्रा है ना, वो प्रभावित हो सकती है ऐसे कुछ। और हरियाणा के अंदर बिल्कुल सूखा पड़ रहा है, तो ये क्या कारण है? मतलब दो आपको ऐसे फैक्ट मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जो अमूमन बड़े नोटिसेबल हैं। मुझे नहीं पता कि आपने नोटिस किए हैं कि नहीं किए हैं, परंतु मैं जैसे ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ, भूगोल का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने नोट किए हैं कि पिछले 10 सालों से ना एक बड़ा बदलाव हो रहा है। और वो बड़ा बदलाव क्या है कि या तो बारिश बहुत कम हो रही है, जो कि निश्चित तौर से हमें दिखाई भी दे रही है कि बारिश बहुत कम हो रही है, और दूसरा जो बड़ा बदलाव है ना जो हमें नोटिस हो रहा है कि हर एक मौसम एक महीना लेट चल रहा है। मतलब जो टाइम पे बारिश होनी चाहिए नहीं हो रही, जुलाई बिल्कुल सूखा चला गया, और इसके साथ में सर्दियां एक महीना लेट तक, गर्मी एक महीना लेट तक, उसी प्रकार से बारिश भी थोड़ी सी लेट आनी शुरू हुई है। और यदि इस प्रकार से लेट आती है तो निश्चित तौर से जो धान हम लगा देते हैं ना वो जून की 20 तारीख के बाद में, मतलब राइस की क्रॉप की बात मैं कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद मतलब अब जैसे बारिश जो आ रही है अगस्त के महीने में, अगस्त में तो कोई धान लगाता नहीं है, अब तो मतलब आधी धान फूट वगैरह कर चुकी हैं, तो मतलब ये नोटिसेबल चेंज है बारिश कम होना। दूसरी बात मौसम, हर एक मौसम एक महीना लेट चलना, तो क्या ये आपको महसूस हो रहा है? और वैसे तो देखिए मैं भूगोल का स्टूडेंट हूँ कि कोई भी ज्योग्राफिकल घटना है ना उसको घटने में मतलब लाखों साल लग जाते हैं, ऐसी बात नहीं कि दिनों दिन या एक सीजन दो सीजन एक दो मौसम में कुछ बदलाव आ जाते हैं और उसको नोटिस कर ले और हम कह दें कि ये बदलाव क्लाइमेट में आ गया है, ऐसा कुछ नहीं होता। परंतु जो हमें महसूस हो रहा है वही मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, तो क्या ये आपको ये महसूस हो रहा है? परंतु अब जैसे अगस्त की ना आज 16 तारीख है और अगस्त का महीना बारिश का होता है, निसंदेह में कोई बात नहीं है कि हम ये कहेंगे यहाँ पे बारिश नहीं आ सकती थी, सितंबर का भी बारिश का होता है। और 5 सितंबर 1995 के अंदर हरियाणा के अंदर बाढ़ भी आई थी, तो मतलब ये कह सकते हैं कि सितंबर में बारिश होती है, पर 15 सितंबर तक मोटे तौर पे बारिश होती है, फिर मानसून है ना वापिस लौटना शुरू हो जाती है, वापिस लौटते हुए मानसून के तौर पे जाना जाता है। अभी कहेंगे कुछ कुछ बूंदे आ रही हैं, और बूंदे आ रहे हैं तभी तो हमारा वाइपर चल रहा है, नहीं तो चलता ही नहीं, तो ये एक निश्चित तौर से बात है। मुझे आप बताइए कि एज ए मतलब आप एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते आपको क्या लगता है कि कुछ बदलाव मैं ही नोट कर रहा हूँ या फिर आपको भी कुछ समझ में आता है? हमारे दोस्त तो कुछ कह रहे हैं कि शायद एक महीना लेट चल रहा है मौसम, आपको भी लगता है क्या, कैसा हो रहा है? जैसा हो रहा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा।